सबको जोहार। हम लोग सरकार से ज्यादा अनुशासित हैं। सरकार वाले ऐसे हैं कि उनके पास अनुशासन नहीं है, इसलिए जहां जहां स्थान मिले अपन को बैठ जाना है। और सारे वक्ता जो बहुत दूर से आए हैं, हम लोग 500-600 किलोमीटर दूर से आए हैं और हम भी आपके वंशज हैं, हम आपके खून हैं, इसलिए कितनी भी बात आपको बताई जाए उसको अमल कीजिए और आगे बढ़ाइए। साथियों, ये जो टंट्या भील की समाधि के ऊपर उन्होंने भगवाकरण किया है, वो भगवाकरण हटना चाहिए, ये हमारी मांग होनी चाहिए। टंट्या भील की समाधि के पास में एक बंदूक हुआ करती थी, उस बंदूक की नाल को तोड़ के उसके ऊपर त्रिशूल डाल दिया है। यह आदिवासी की जगह मिली तुमको नालायकों? और हम लोग इंदौर में देखते आए हैं, रास्ते में देखते आए हैं, हमारे महानायक भारत के राष्ट्रपिता टंट्या भील है, ये अपन को मानना होगा। कोई राष्ट्रपिता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपिता टंट्या भील की वजह से हमारा सब कुछ हुआ। तो उनके फोटो छोटे कर दिए हैं और नरेंद्र मोदी और आपने शिवराज कंस मामा के फोटो बड़े कर दिए और कहते हैं हम टंट्या भील के बराबर है। और उनके मंत्री कुछ कहते हैं कि टंट्या भील का अवतार है आपका ये शिवराज मामा। अगर शिवराज मामा अवतार होता तो टंट्या भील के पास में आके उसकी समाधि में धूप लगाता, उसका शीर नमन करता, तो हम मानते कि कम से कम उसका अनुयायी है। लेकिन वह आदिवासियों के लिए सिर्फ वोट बैंक करना चाहता है, आदिवासियों को वोट बैंक में इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए आप लोगों को जागना होगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, हम लोग रस्ते में आए, इतने पागल कुत्ते कर दिए हैं हमारे आदिवासियों के, जो पीएनडीएन है वो बैठा है और पागल कुत्ते रस्ते में जय श्री राम न जाने क्या क्या नारे लगा रहे थे। आज टंट्या भील की समाधि पे आए थे, टंट्या भील की समाधि पे आए थे तो टंट्या भील की जय होनी चाहिए। अगर जय श्री राम के नारे लगाने हैं तो अयोध्या जाओ और वहां लगाओ, यहाँ कोई जरूरत नहीं है जय श्री राम के नारों की। और मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, ये जो पागल कुत्ते हो गए हैं, उन पागल कुत्तों के लिए आपको रेबीज का टीका बनना पड़ेगा। और गांव के अंदर ऐसे पागल कुत्ते हैं, उनको रेबीज का टीका आदिवासी का लगाओ, उनको भगाओ उनको वहां से, ये हमको करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत हमारे समाज का नुकसान होगा। साथियों, हम लोग सुनते आए हैं टंट्या भील लुटेरे थे, ऐसा कहते हैं वो लोग, उन्होंने ऐसा हमारे ऊपर एक टैग लगा दिया है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, टंट्या भील ने अंग्रेजों से लूट के आदिवासियों को और गरीबों को दलितों को बांटा था, इसलिए टंट्या भील हमारे महान थे। और शिवराज जी कहते हैं कि मैं भी टंट्या भील की तरह मैं भी गरीबों को देना चाह रहा हूँ, देता हूँ। अरे भाई, वो गरीबों को देते नहीं है, गरीबों को लूट रहे हैं। आज हमारे जल जंगल जमीन पर सारा अधिकार कर रहे हैं। आज आदिवासी क्षेत्र में 5वीं अनुसूची का कानून लागू होना चाहिए था, व्यवसायिक लागू होना चाहिए था, ग्राम सभाओं को पावर मिलना चाहिए था, वो पावर नहीं मिल के पुलिस का प्रशासन हमारे ऊपर जबरन लगाया जा रहा है। और मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो भी आयोजक मंडल थे उनको पुलिस प्रशासन पकड़ के ले गई है, उनको तत्काल प्रभाव से हमारे मंच पर लाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बुरा होगा। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि इस साल अगर आपने आने वाले साल में आपको, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश के, इसलिए उनको हमारे महापुरुषों की याद आ गई है। 70-75 साल से कांग्रेस वाले बीजेपी वाले गहरी नींद में सोए थे और आदिवासी परिवार जयस और फिर प्रदेश मुक्ति मोर्चा विद्यार्थी मोर्चा और आपका आदिवासी छात्र संगठन ने उनको जगाया, तो वो अपनी अपनी मूर्तियां लगा रहे हैं। आपका कमलापति रानी की मूर्ति लगाई, उसके अंदर राजपूत का पोशाक पहना दिया। और हमने और बहुत सारा देखा रस्ते में, हमारे उधर भी नाना भाई खान थे जो आदिवासी थे, उनका सिर्फ नाम रखा है नाना भाई,
और आने वाले समय में वो कह देंगे कि नाना भाई पाटीदार थे, नाना भाई त्रिवेदी चतुर्वेदी फतुर्वेदी थे, ऐसा बोल देंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि दो मिनट, ये भी लग रहा है ये टंटिया भीम को धार लगा क्या आया, बचा हुआ मैं भी हूं। मुझे ये भी लग रहा है कि टंटिया मामा मामा बोल रहे हैं। मामा बोलने का दूसरा तरीका है, हम जो बोल रहे हैं मामा हमारे लिए कुछ खाने पीने का लाते हैं, मामा मेहमान आते हैं तो कुछ लाते हैं, चॉकलेट पानी कुछ भी लाते हैं, तो हम उसको प्यार से मामा लाए ऐसा बोलते हैं। इसलिए हमारा बोलने का तरीका अलग था और उन लोगों का बोलने का तरीका अलग है। ये लोग मामा मामा कह के आदिवासियों को गाली देना चाह रहे, ये हमने सुना है समझा। इसलिए आने वाले समय में अगर टंटिया भील नहीं लिखा गया तो टंटिया मामा राजपूत लिखेंगे। ये लोग लिख लो, आप लोग ये लिखेंगे ये लोग। इसलिए साथियों मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारा कारवा आगे बढ़ना चाहिए और आने वाले समय में हम लोग राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र ये जो चार राज्य हैं जहाँ पे आदिवासी बाहुल्य है, उदयपुर से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके बॉम्बे तक एक इलाका डिजाइन किया हुआ है, जिसमें भील पटेलिया बारेरा भीराना और हमारे साथ में रहने वाले अन्य समाज के लोग हैं, एससी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, जो आदिवासी के साथ में सहसंबंध के साथ में रहते आए हैं, उनको मिला के हमारा एक नया स्टेट बनना चाहिए, ताकि हमारा ही मुख्यमंत्री बने, आदिवासी का मुख्यमंत्री बने, आदिवासी का कैबिनेट बने, ये हमारा सपना है। हम लोग ऐसे रह रहे न दुखे नहीं है, बाहर से आए और यहाँ टंटिया मामा के दर्शन तक नहीं किए। अभी मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने डिमांड किया था, खंडवा के साथी आए हैं यहाँ पे, उन्होंने डिमांड किया था खंडवा के अंदर टंटिया भील का जन्म हुआ तो खंडवा यूनिवर्सिटी का नाम टंटिया भील यूनिवर्सिटी नाम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो उन नालायकों ने क्या पता न जाने कहां से उठा के लाया, जिसने देश के लिए कुछ नहीं किया उसके नाम से उनके नाम का यूनिवर्सिटी कर दिया। इसलिए हमारी ये मांग है सरकार से, अगर टंटिया भील के नाम से खंडवा यूनिवर्सिटी नहीं होती है तो खंडवा के आदिवासी जाग जाओ, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, खंडवा के अंदर घुसने मत दो इनको, हमारा जब तक हमारे टंटिया भील का नाम नहीं हो। ये आप लोगों को सोचना है समझना है साथियों, कहने का बहुत समय है लेकिन हमारे पीछे डूंगरपुर से हमारे राजस्थान के सबसे युवा विधायक राजकुमार जी रोज आए हुए हैं, भवनलाल जी परमार आए हुए हैं, दूसरे और वक्ता हैं। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, अभी शायद हमारा जितेंद्र भाई जो खंडवा से आए हैं, अच्छा ये पास वाला जो है आपका वहां से आए हैं, तो उनके साथ में वो पैदल चल रहे थे तो टंटिया भील के वंशज उनके साथ में आ रहे थे, तो यहाँ की जो हमको गाली देने वाली मंत्री बनी है